गाइस, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। आप लोगों से मैं बहुत नाराज हूँ, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ। नहीं नहीं मस्ती कर रही हूँ आप लोगों से। वीडियो डालने का न डालने का कुछ कारण था, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और आज जब मैं फ्री हुई तो आज है मंडे, और मंडे से ही मैंने आज से चालू किया है पशुपतिनाथ जी का व्रत। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी आगे की थाली में मैंने क्या क्या रखे, तो सुबह की थाली, शाम की थाली। मंदिर में भाई वीडियो बना ही नहीं सकती क्योंकि मैं अकेले गई हुई थी मंदिर। अकेले मंदिर जाना, सारी सामानों को कैरी करना, आप मोबाइल कहाँ से रखोगे? आपके साथ अगर कोई रहेगा तब भी आप ये चीज़ कर सकते हो। तो अभी तो मेरे हस्बैंड का मंडे, उनका भी ऑफिस रहता है, तो मैं अकेली ही रहती हूँ, घर में कोई भी नहीं था। तो फिर मैं सोची कि अब कैसे मैं रिकॉर्ड करूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाया। और स्टैंड वगैरह भी बात करें, अभी तो मेरे पास नहीं है। और अगर आ भी जाएगा ना, तो मंदिर में इतनी गर्दी होती है कि आप कहाँ लगाओगे, क्या करोगे? अगर कोई थर्ड पर्सन है तो वो थोड़ा आपका रिकॉर्ड कर ले रहा है। और सच बताओ ना, मंदिर में अगर मैं किसी को बोलूँ भी तो वो भी कोई करता भी नहीं है यार। मैंने आज शाम की पूजा का एक लेडीज़ थी, तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा बस मेरा वीडियो आप शूट कर लो। तो उसने बोला पहले आप भगवान की पूजा कर लो, वीडियो वीडियो के ऊपर बाद में ध्यान देना, ऐसा उसने मुझे बोला। क्या बताऊं आप लोगों को। नहीं ना, तो दिखा देती हूँ। ये मेरी फिश टैंक है, और इसमें ये फिश देखिए किस तरह से अच्छी लग रही है आप सभी को देखना। कौन सी वाली अच्छी लगी वो मुझे बताना आप लोग। मेरे घर में ना एक और मेंबर है जो अभी सो रहा है, तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी जल्दी, क्योंकि अभी उस पानी में सो रहा है। तो आप लोग गेस कीजिएगा कि कौन सा मेंबर है जो पानी में सोता है। मेरे घर में तो वो पानी में सो ही रहा है। तो बहुत सारी लेडीज लोग मुझसे पूछेंगी कि आपने पशुपतिनाथ का व्रत कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया। तो मैं आप लोगों से वो चीज़, मेरी जर्नी जरूर शेयर करूँगी। पशुपतिनाथ व्रत ये मैं साल भर से ट्राई करो, एक साल से कि मैं आज करूँगी, अब करूँगी, इस सोमवार को करूँगी, ऐसे कुछ ना तो कुछ रीजंस के कारण ऐसे हो रहा था ना, पता नहीं। जैसे बोलते ना, किसी का जब टाइम आने वाला रहता है तब भी उसका टाइम आता है तो व्रत वगैरह करने का। तो मैं भी इतने दिन से बहुत सोच रही थी यार, मतलब एक साल निकल गया सोचते सोचते इस चीज़ को करने में। फिर मैंने सोचा पता नहीं टाइम ही नहीं बैठ पा रहा था करने के लिए। और मुझे अक्सर ऐसे कोई चीज़ें जब करनी होती है तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, और अगर मैंने कुछ गलत किया तो मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो उसका कुछ उल्टा हो जाएगा, ऐसे थॉट मेरे मन में आते रहते थे। फिर उसके बाद में मैंने एक दिन सोचा कि मतलब ऐसे अभी हाल फिलहाल में ही बहुत टाइम से, एक दो महीना हो रहा है मेरा चल रहा है कि नहीं सोमवार से फिर कुछ रीज़न हो जा रहा है, कहीं हम संडे को बाहर चले जा रहे हैं, आने में लेट हो जा रहा है। जो सामान वगैरह लगता है पशुपतिनाथ जी का, तो पूजा के लिए वो सारे सामान कैसे ना एकदम सब साफ होने चाहिए। आप घर का कुछ यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखिए मेंसेस में आप सब जगह हाथ लगाते रहते हो, तो इसके वजह से वो सारी चीज़ें हम यूज़ नहीं करते। सारे सामान मुझे लेना था, तो फिर मैं गई लेने के लिए और लेकर के आई भी सारी सामग्री। और उसके बाद में फिर लाने के बाद में मैंने सोचा अब इस, अभी मेरा ऐसा क्लियर हुआ था, मेंसेस भी क्लियर हुआ था, तो मैंने सोचा चलो अब ये भोले बाबा की कृपा रहेगी। और उन्होंने मुझसे कहा कि चलो आगे ये करते हैं, क्या करते हैं आप मेरा उपवास करो, या मैंने ही दिल से उनका उपवास कर लिया। मैं भी कुछ ज़्यादा ही पागलों ऐसी बातें कर लेती हूँ आप लोगों से, आप लोग भी क्या बोलेंगे। तो इसके लिए मैंने ये व्रत चालू किया है। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये व्रत सक्सेसफुल रहे और भोले बाबा मेरी जल्दी से झोली भरे, और मैं चाहूँगी कि हर बहनों की झोली भरे। तो अब देखिए मैं अभी आई हूँ पूजा वगैरह करके बाहर, इसमें एक दीपक जलाना था वो सब हो चुका है। अब रात में इसमें खाना खाया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें खाना नहीं खाना चाहिए, तो मैं आपको इतना कह दूँगी इसमें खाना खाना होता है, लेकिन सात्विक भोजन जिसमें कांदा लहसुन का परहेज हो, और जो भी आप खाने में यूज़ कर रहे हो, मतलब जो भी खाओगे आप, तो मैं यही कि मुझे जिसने बताया था
तो उन्होंने मुझसे कहा कि सबसे बेस्ट आप आलू के पराठे बना लो और उसमें सेंधा नमक का यूज़ करना, अपना जो नॉर्मल नमक खाते घर का उसका यूज़ मत करना, सेंधा नमक का यूज़ करना आलू के पराठे में। और मैंने भी फिर बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी थी, तो कोई कह रहा है नहीं खाना है, कोई कह रहा है खाना है, पर जिनको मैं फॉलो करती हूँ ना, प्रदीप मिश्रा जी का, आप लोग भी शायद वीडियो देखते रहोगे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, रात को भोजन करना ही है, आप जो प्रसाद चढ़ाते हो उस प्रसाद को खाने के बाद आपको भोजन करना है, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है, पर सात्विक ही भोजन करना है। तो मुझे भी लगा आलू का पराठा तो बेस्ट है और उसमें कुछ ज़्यादा ना कांदे लहसुन की ज़रूरत पड़ती ना कुछ, आप बस आलू बॉईल कर लो, थोड़ी सी मिर्ची डाल लो, नमक डाल लो, हल्दी वगैरह भी नहीं डालना है उसमें, ये सब चीज़ें भी नहीं यूज़ करनी, क्योंकि हम लोग पूजा करते हैं उनकी, मतलब कि हल्दी की पूजा वगैरह करते हैं आज के दिन, गणपति को, अशोक सुंदरी को लगाते वगैरह इसके लिए। तो चलिए अभी क्या बनाऊँगी पराठा आपको भी दिखाऊँगी, और वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं जैसे बताया कि डेली व्लॉग तो यार चालू करना है, पता नहीं क्यों शायद मेरे अंदर ही बहुत आलस है डेली व्लॉग चालू करने का, लेकिन करेंगे करेंगे ज़रूर करेंगे। आलू के पराठे बनके रेडी हो चुके हैं और अभी तक पति देव जी घर पे नहीं आए हुए हैं, अब उन्हीं का वेट कर रहे हैं, फिर अब हम खाएंगे। आपने जैसे कि देख लिया होगा पराठे कैसे बने हुए हैं, एकदम सादा, क्या है बताऊँ, उसमें सिर्फ आलू है, मिर्ची, जीरा और सेंधा नमक बस, क्योंकि इसमें मसाले वगैरह नहीं डालना है, हल्दी वगैरह जैसे मैंने आपको पहले बताया उसमें कुछ भी नहीं डालना है। अभी तक ये आए नहीं और मुझे बहुत बोर हो रहा है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लकी हाय बोलो मेरे सभी दोस्तों को, प्लीज़ हाय बोलो, हाय बोलो। तो कैसा लगा आपको हमारे घर का जो मेंबर है, बहुत शरारती है, उसको अभी तक पानी से निकाला नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बार बार अगर हम उसको पानी से निकाल देते हैं तो बार बार बाथरूम में भाग जाता है दरवाज़ा। आई होप आप सभी को व्लॉग अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।